History of population planning in Pakistan. Dear students, where we are standing right now, as we are calling ourselves the fifth largest populated countries of the world, और हमें uh, ऐसा भी नजर आ रहा है कि हम आगे बहुत ऊपर की तरफ जाएंगे। We will um, uh, go up to the ladder, और कोई दिन ऐसा भी आ सकता है कि maybe भी हम first position की तरफ चले जाएं। But that is not that sort of position which anybody is going to appreciate, because uh, इतने कम resources के साथ Pakistan जो है वो नहीं चल सकता अगर हमारी पॉपुलेशन इसी तरह से रही आज हम जितनी पापुलेशन के ऊपर खड़े हैं यकीनी तौर पर आबादी में इजाफा किसी एक वजह की वजह से ही नहीं होता दे आर मल्टीपल रीजन जो कि आबादी में इजाफे की जो है वो वजह बनते हैं पाकिस्तान की नाइनटीन सेवन से लेकर सिंस दी इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान और हम आज दो हज़ार इक्कीस के अंदर खड़े हैं ऑलमोस्ट हम आबादी में इजाफ़े की जो रेशो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कह लीजिए आप इसको फर्टिलिटी रेट कह लीजिए तकरीबन हम इसके अंदर कंसिस्टेंट जो है वो रहे हैं कुछ ऐसे एरास भी थे जिसमें पाकिस्तान में आ, कुछ ऐसे डेकेट्स भी आए हैं जिसमें आबादी में बड़ी तेज़ी के साथ इजाफा हुआ है और हर दस साल के अंदर पाकिस्तान की आबादी यानी एक डेकेट के अंदर पाकिस्तान की आबादी में करोड़ से डेढ़ करोड़ का भी इजाफा हुआ है और करते करते हम लोग जो है इस वक्त बाईस करोड़ से ज़्यादा की आबादी है 1950 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन पाकिस्तान बनने के कुछ ही साल बाद एक एस्टिमेट किया गया कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन वॉज थर्टी सेवन मिलियन पीपल और उस वक्त के अंदाज़े के मुताबिक जो एक बनाई गई लिस्ट उसके मुताबिक पाकिस्तान तब भी दुनिया का तेरहवा बड़ा मुल्क था साउथ एशियन रीजन जहाँ पे हम रहते हैं बेसिकली ये एक ऐसा ए, एक ऐसा एरिया है ये एक ऐसा ख़त् है जहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है और दुनिया की ए, एक बड़ी जो हमारी पॉपुलेशन को कॉन्स्टिट्यूट करती है साउथ एशियन पॉपुलेशन जो है इसको कॉन्स्टिट्यूट करती है इसमें इंडिया भी है इसमें बांग्लादेश भी है तो 1947 में हम लोग स्टैंड कर रहे थे एट द थर्टियथ तेरहवीं पोजिशन पर साउथ एशियन रीजन की अगर हम बात करें इवन हम एशियन रीजन की भी बात करें इवन चाइना जहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा उसकी बात करें अभी भी पाकिस्तान को ये चीज़ एक, एक अच्छी एक पॉजिटिव बात थी कि सिंस द बिगनिंग ये रियलाइजेशन पॉलिसी मेकर्स को यकीनी तौर पर थी कि पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है आबादी के हिसाब से एंड ऑफ कोर्स स्टेट मस्ट बी वडेड अबाउट और स्टेट हर दौर में वडेड रही है कि किस तरह से आप अपनी नीड्स को पूरा करें एज अ टेक्स पेजर पाकिस्तान वॉज वन ऑफ़ द फर्स्ट एशियन कंट्री ये वो एशियन कुछ एशियन कंट्रीज़ के अंदर वो पहली एशियन कंट्री थी जिसने शुरू की है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम अपने पाकिस्तान के अंदर और आहिस्ता आहिस्ता कोशिश की ऐसी पॉलिसीज लाने की पॉलिसिस फर्टिलिटी में डिक्लाइन हो लेकिन हम अपने नेबर्स के मुकाबले में अच्छा परफॉर्म नहीं डिस्पाइट ऑफ द थिंकिंग डिस्पाइट ऑफ द पॉलिसीज डिस्पाइट ऑफ द प्लानिंग 2020 में वी ऑल नो वेरी वेल इन 2021 वेयर वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ 2020 में ही हम पांचवी बड़ा मुल्क जो है वो हो चुके थे और इस वक्त जो है वह टू हंड्रेड एंड नाइन्टी टू दो हजार पचास मिलियन पीपल एंड है इज़ अ वेरी वेरी ह्यूज अमाउंट अगर हम तकरीबन लास्ट कुछ डेकेट्स की बात करें बटवीन टू थाउजेंड नाइनटीन पाकिस्तान एवरेज पॉपुलेशन रिमेंड टू पॉइंट फोर जीरो जो ग्रोथ रेट था हमारा थोड़ा पॉपुलशन ओवर टू पॉइंट ट्वेंटी मिलियन दिस इज अ ग्रोथ रेट ऑफ वाइट फाइव पॉइंट टू मिलियन पर ईयर ये जो फिगर है ये इस अदवार को जो आपके सामने स्क्रीन पे भी उनको जो है वो रिप्रेज़ेंट करता है हाव इससे पहले जो हमारे डेकेट्स थे फ्रॉम नाइनटीन और नाइनटीन या एटीस में भी हमारी जो ग्रोथ रेट था वो इससे भी ज़्यादा था हम बहुत तेज़ी से जो है वो एक करोड़ से दूसरे करोड़ में बड़ी जल्दी जो है वो एंटर हो जाते थे मौजूदा फिगर्स भी हैं ये भी बहुत अलामिंग है ऑफकोर्स और ये रिवील करते हैं कि स्टिल देर इज़ अ लॉट टू वर्क एंड इफ़ यू डो नॉट वर्क इफ यू डो नॉट टेक एक्शन राइट नाउ Pakistan is going to be in a big trouble in coming years.